मेरे को इसके बारे में। तो टुडे वी विल डिस्कस सैंपल पेपर, वन ऑफ द सैंपल पेपर। और अभी आपके पास इन दिनों में मैं बहुत सारे सैंपल पेपर भेजूंगा विद आंसर सो दैट यू कैन चेक इट। तो आज हम इसको एक लाइव डिस्कशन दे रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे जिसको लगेगा कि हाँ इसका ये हो सकता है। गाइडलाइंस की अगर मैं यहां तक बात करूं तो बच्चे यू नो दैट 16 out of 20, 16 out of 20 and 8 out of 10। ओके, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और हर एक क्वेश्चन का क्या होगा, इक्वल मार्क्स पैटर्न होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को लगता है हर एक कैंडिडेट को आना चाहिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। एनीबॉडी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जानते हो ना सारे, क्यों? जीरो टू क्या होगा भाई, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कितना इजी क्वेश्चन पड़ा। तो दैट मींस टू से कि आप सिक्स के सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या याद ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ध्यान में रखिएगा, काफी काम आएगी। ठीक, अब रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि अगर आपको फॉर्मेट से आता है देन इट्स गुड, नहीं आता तो क्या करें? यस, वेरी गुड, आप पकड़ गए आप बात। देखिए के इंटू साइन एक्स माइनस किसके इक्वल आएगा बच्चे, टू के। अब अगर मैं इसमें 90 फिल कर दूंगा तो इट बिकम्स के बाई माइनस टू विच इज इक्वल टू थ्री। तो आपके पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिक्स हो जाएगी। और ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया लग रहा है ना, इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे बच्चे, एडजॉइंट ए, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं कि ये आंसर होगा इसका। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड, चेक कर लो बच्चे ऑप्शन ए ठीक है। यस सर। यस सर। फिर से देख लो एक बार, हाँ जी देखिए हम क्या करते थे एडजॉइंट ए, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स होती थी। ठीक है बिल्कुल ठीक जा रहे हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री माइनस फाइव माइनस वन एंड क्या आ जाएगा टू। ये कोफैक्टर होता था और उसके बाद हम फाइंड आउट करते थे एडजॉइंट ए विच इज नोन एज 3 माइनस 1 माइनस 5 एट 2, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फोर्थ क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लगाएंगे, आप सबको पता है। हाँ जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, ये वो क्वेश्चन है बच्चे जो एनसीईआरटी बेस्ड बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करूंगा यहां पे, देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स नेगेटिव ई पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स। जानते हो ना सारे इस प्रोसेस को, डेरिवेटिव, टेक ई पावर माइनस एक्स कॉमन, इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो इंटरवल बन जाएंगे बच्चे, एक बन जाएगा जीरो और एक बन जाएगा टू। इसने पूछा किस इंटरवल में ये क्या है, इंक्रीजिंग। चलिए चलते हैं, तो सबसे पहले हम जीरो से लेस वैल्यू पुट अप करते हैं, यानी नेगेटिव नेगेटिव पुट अप करेंगे, कोई भी नेगेटिव पुट अप कर लीजिए माइनस वन, तो ये नेगेटिव बचे
ये भी नेगेटिव, यानी इसका आंसर क्या है, नेगेटिव। अगर आप जीरो के, जीरो और टू के बीच में वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर आप टू से ग्रेटर देन वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसका आंसर फिर से क्या आ रहा है, बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास, क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी इस फॉर्मेट में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग हो। इसके यू कैन आल्सो लर्न कि किस में डिक्रीजिंग होगा, तो आप यहीं से देख सकते हैं किस में क्या चलेगा, डिक्रीजिंग चलेगा यहीं से। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ये जानते हो बच्चे, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एक्चुअली ये होती है माइनस वन जीरो 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 माइनस थ्री जीरो 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 एंड माइनस फाइव। और जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स को बच्चे ओपन करते हैं, इसने कहा ना फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज होती है फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। तो क्या आंसर लिखूं इसमें बताइए, सॉरी यहां माइनस थ्री आएगा। ऑप्शन कौन सी दूं इसमें, ए बी सी और डी। हाँ बस इसने इस नेगेटिव और नेगेटिव, क्यों इसने इस नेगेटिव और नेगेटिव को क्या लिख दिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिया। माइनस वन नहीं, ओनली वन था मैट्रिक्स में। नहीं बच्चे मैं वही तो कह रहा हूँ, ठीक। हाँ एक 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 मिनट, एक मिनट, इसमें गड़बड़ होगी बच्चे, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, वन माइनस थ्री एंड माइनस फाइव। देखो अगर तो ये माइनस होता तो फिर ऐसे आता, और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या आ जाता, पॉजिटिव। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे वन है, तो इसका आंसर आना चाहिए था वन माइनस थ्री एंड माइनस फाइव, तो वो तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूं तो आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। अगर कोई इसमें प्रिंटिंग एरर है तो फिर हम उसी के हिसाब से करते हैं। ओके नहीं बच्चे, ये रो मैट्रिक्स होती है एक्चुअली ना, इस क्वेश्चन में एक टेक्निकलिटी है। वैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स को ना हम ऑलवेज ऐसे लिखते हैं वन कॉमा माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, ये रिप्रेजेंट करता है डायगोनल। बिल्कुल आपकी बात जन्म है कि मैं इसको रो मैट्रिक्स क्यों नहीं डिफाइन कर सकता, कर सकता हूं बट इसमें कॉमाज इन्वॉल्व हो। और अगर हाँ एक चीज और देख लीजिए, अगर ये रो मैट्रिक्स ही हुई, इस क्वेश्चन में ना काफी सारे क्वेश्चन की क्लैरिटी बन रही है आपके पास। अगर ये रो मैट्रिक्स ही हुई, मतलब इसमें एक सिंगल रो ही हुई, तो फिर तो मैं उसका डिटरमिनेंट डिफाइंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का बना जाता है, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसी वजह से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, अराइज होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, कि हम ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। गॉट माई आंसर, ओके सर, ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। नाउ कम ऑन टू दिस फेज, चलिए ये क्वेश्चन भी इजी है, इस क्वेश्चन पे ही इसको सॉल्व करना है बच्चे। आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी कर ही दिए, क्वेश्चन नंबर नाइन। हाउ वी कैन डिफाइन इट, आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसने लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, तो अगर मैं इसको ड्राइव करूं तो इट बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स। ऑप्शन ए, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो, जीरो है, तो आंसर क्या आ गया, थ्री। बच्चे ये किसकी स्लोप होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और अगर नॉर्मल की स्लोप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस वन बाई थ्री, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर टेन,
चेक कीजिए जरा कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जानते हो ना कैसे लिखते थे हम, पाई माइनस कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट थ्री। और ये जो आपके पास फॉर्मेशन है बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई बाय थ्री। तो पाई माइनस पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या आ जाए? टू पाई बाय थ्री। अच्छा, असर्टेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में हम थोड़े से कंफ्यूज हैं कि इज इट पॉसिबल और नॉट, बट हमने इसमें एक क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन पेपर में जरूर देखेंगे। एंड टेल मी, सॉल्व कर विद सॉलिड रीजन। आपको ये फोर ऑप्शंस इसने प्रोवाइड कर दी कि कौन सा ऑप्शन देना है। चलिए वो तो आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इसने कहा सिंगुलर, हम सिंगुलर कैसे डिफाइन करते थे बच्चे? डिटरमिनेंट इज जीरो। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। जब आप डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू तो आ ही जाएगी ना। और किसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलते हैं? देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये तो ट्रू है, ओके? और ये सिंगुलर मैट्रिक्स की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब आपका सारा क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज असर्टेशन। अगर असर्टेशन करेक्ट हुई तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे? ए आ जाएगा। गॉट इट? और आप ना इस क्वेश्चन पेपर को बड़ा ही इजी फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं अभी रीजन गलत नहीं दिया हुआ। क्यों बच्चे? सॉरी, उसमें क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अच्छा, सिंगुलर में हम क्या लिखते थे? सिंगुलर में तो हम ये लिखते थे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ए करेक्ट तो बच्चे हमें पता चलेगा अगर हम इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या निकाल। यस सर, आ गई। हाँ, आ गई। तो ए इज करेक्ट एंड बी इज फॉल्स, इनकरेक्ट। ओके, तो इस पे हम जाएंगे आगे। अच्छा, आई थिंक इससे क्वेश्चन इजी नहीं हो सकता बच्चे। साइन एंड कॉस, डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू कॉस। माइनस कॉट एक्स। हाँ, वैसे अगर हम इसको सपोज करें, लेट यू इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट वी इज इक्वल टू कॉस एक्स, हम क्या डिफाइन करेंगे? डी यू अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन का कॉस होता है बच्चे, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। इनको डिवाइड कर देंगे, कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस कॉट एक्स। ओके, नाउ कम ऑन टू दीज टू क्वेश्चंस, करिए जरा ट्राई। दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं।
हाँ जी बच्चे, वेरी गुड। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, ये होती है नंबर ऑफ रोज और ये क्या होते हैं कॉलम। इसका मतलब इसमें फोर रोज है, कितने एलिमेंट कंटेन होंगे, सिक्स एलिमेंट। आई थिंक ये तो किसी के लिए भी डिफिकल्ट टास्क नहीं था, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके हाँ, अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे जाए कि इससे आगे हम कैसे जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है देखिए, एक फॉर्मूला था बच्चे, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, कैन वी राइट इट एज टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई। तो हाउ कैन वी राइट इट एज, देखिए टैन इनवर्स थ्री माइनस टैन इनवर्स टू एक्स। अब आप जानते हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव, टैन इनवर्स थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स का क्या होगा टू। तो वी कैन से दिस, तो ये माइनस टू अपॉन वन प्लस किसकी वैल्यू है, फोर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। गॉट माई पॉइंट? यस सर। ओके सर, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता, हालांकि बड़े रेयर से चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। अच्छा एक चीज देखिए, ये आपकी बुक का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। जानते हो क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन, किसी को भी लगता हो कि हम ऐसे बना देंगे इसको? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ जी, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, जानते थे ना हम क्या करते थे, ए स्प्लिट कर देंगे, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती थी, आई, आई होती थी ना। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल उसी में जाएंगे, ठीक। अब एक चीज देखिए, वैसे इस तरह के क्वेश्चन रेयर हैं, इसने किस किस लोग पूछी आपसे, नॉर्मल की, तो ये तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल क्या हो गया, रिपीट सा हो गया। चलिए, फाइंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इफ, क्या लिखा है बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, देन एडजॉइंट ए कितना होगा। याद है ना फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती थी बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या लिखते थे, सर ऑप्शन बी, ये वाला। अब क्योंकि ये ऑर्डर कौन सा है, थ्री ऑर्डर है, तो थ्री ऑर्डर में हम कैसे चलते थे, एन की जगह पे क्या पुट अप कर देंगे, थ्री, तो वी कैन राइट इट एज स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा रिहर्सल के लिए है कि आप इन क्वेश्चंस को देखें नॉर्मल फॉर्म में, याद कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन तो आपके याद ही हो गया होगा, आई थिंक सो। स्टार्टिंग क्या थी इस क्वेश्चन की, अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें, ही सेड फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर हम इसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में करते थे तो वी कैन राइट इट एज साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी एक्स तो वी कैन राइट इट एज डी एक्स अपॉन डी वाई। तो दिस इज द वे वी कैन राइट इट, साइन ए प्लस वाई होल स्क्वायर साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का क्या आ जाएगा कॉस वाई, माइनस साइन वाई
एंड कॉस ए प्लस वाई। इसको फिर आगे थोड़ा सा क्या कर दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यूज। किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा बच्चे? नो सर। ये हमारे पास कोई क्रिएट क्वेश्चंस नहीं है। आप ये बताओ, इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है? ऑप्शन सी। सी कैसे आया इस क्वेश्चन बताओ, किस पार्ट में ब्रेक करोगे इसको? अच्छा, इसको तो अगर मैं वैसे ही ब्रेक कर लूं, किसी करने की जरूरत नहीं है। 1 7 2 5 2 6 3 5 4 4 यही पार्ट होंगे ना, समझ रहे हो? तो अगर मैं इनको वैसे ही कर दूं तो ये क्या हो रहा है, 7, ये प्रोडक्ट कितनी हो रही है 12, ये कितनी हो रही है 15, और ये कितनी हो रही है 16। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, अगर मैं किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन ना करूं। हाँ, अदरवाइज अगर मैं मेथड के साथ जाऊंगा तो आई कैन राइट इट एज एक्स इंस्टेड ऑफ। अब हम इसको मैक्सिमाइज और क्या कर दें, मिनिमाइज कर देंगे। गॉट माई पॉइंट? आगे मूव करते हैं बच्चे। हाँ जी, थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद ही देखेंगे। आप पूरा पेपर देखिएगा, हो सकता है मैं सेशन में पूरा पेपर ना डिस्कस कर पाऊं, बट व्हेन यू सी इट तो आपको इसमें ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, याद है कैसे करते थे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई अपॉन डी इट इज 2a, डी एक्स अपॉन डी इट इज 280, डिवाइड करो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/t। अब क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो एक तो होता है बच्चे 1 - d² इसका डेरिवेटिव, और साथ में क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो चेक कर लीजिए आपका कौन सा आंसर इसमें फिट बैठेगा। आई थिंक ऑप्शन डी आएगा, जब आप इसमें डी टी अपॉन किसकी वैल्यू भी पुट अप कर देंगे, डी एक्स की वैल्यू भी पुट अप कर। Got my point? Yes, sir. अच्छा जी, the solution of this equation, हाँ ये तो हमने भी पूछा था अभी आपसे, बताइए क्या होगा? None of these. इसने लिखा half of the plane not containing origin. हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, आई थिंक इसमें ओरिजिन तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से चेक कीजिएगा, मैंने पहले भी भेजा हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज देखिएगा बच्चे, आपके ना माइंड में हमेशा इस क्वेश्चन को इसलिए स्किप कर रहा हूं कि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 तो आउटर कर दीजिए बच्चे। लॉग का क्या आ जाएगा 1/tan x, एंड tan x का फर्दर क्या हो जाएगा secant² x, एंड आपने x की वैल्यू क्या फिल कर दी 5/4। मेरे ख्याल में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, तो यू कैन डू इट। अब आइए, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद दिस दिस एंड दिस इज 9। याद है ये किस बेस्ड का क्वेश्चन हो गया? डिटरमिनेंट बेस्ड का क्वेश्चन होगा। अच्छा अब क्योंकि ये एमसीक्यू है बच्चे, इसको आप वो 10th वाले मेथड से भी क्रैक कर सकते हैं, याद है? यस। वैसे तो खैर डिटरमिनेंट वाले से करेंगे तो सिंपल ही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
18 पता क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम 1 बाई 2 लिखते हैं, इस कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए बस, एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस वन। अब आइए, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखूंगा बच्चे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसने पूछा है द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π, नहीं हो सकता। 0 to π में साइन तो पॉजिटिव होता, बट ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ओके, ये पाई टू 2π थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से साइन पॉजिटिव होता और नेगेटिव हो गया। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। गॉट इट। अब आ जाइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन 90 to π/2, क्या लिखूं बच्चे, ये भी नहीं हो सकता। अब आइए, जीरो और पाई के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, बिकॉज जीरो और पाई के बीच में साइन तो पॉजिटिव होता है ड्यू टू फर्स्ट नेगेटिव। तो ये आंसर करेक्ट है, और इसके बीच में भी ये करेक्ट है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, अब आइए, इस क्वेश्चन को तो आई थिंक आप बिना देखे ही बता सकते हैं, बट ध्यान से चलना, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के बीच में। क्या ट्विस्ट है भी? साइन इनवर्स की मतलब प्रिंसिपल वाली ब्रांच में नहीं है, उसको करना पड़ेगा पहले। यस, देखो इसकी तो प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो इसको तो आप कट करके सीधा क्या बोल सकते हैं, 2π/3। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको पहले थोड़ा सा क्या करो, सेटल करो। तो आप साइन को ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, वैल्यू उसकी क्या आएगी, पाई बाई थ्री आएगी। तो वी कैन राइट इट एज साइन पाई बाई थ्री, कैंसिल कर दीजिए, तो इट विल बी पाई बाई थ्री। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहां ना ये थोड़ी सी गलती हो रही है, यहां पे दो ऑप्शन सेम से आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो इसको हम सेटल कर लेंगे, कोई बात, कई बार टाइपिंग एरर में हो जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5i। बच्चे कई बार क्या होता है ना, हमने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होता है मोस्टली। एक चीज बताइए, जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो इनके आंसर क्या आते मोस्टली? हम मोस्टली हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन इनके आंसर आते थे जीरो, आते थे कि नहीं? यस सर, कैंसिल हो जाते थे, कैंसिल हो जाते थे, ठीक है। बट हमने क्या करना बच्चे, ऐसे नहीं जाना, आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। अलग तरीके से मैं कैसे कह रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करके देखना, बिकॉज यू हैव वन क्वेश्चन। अगर उसने छोटा मोटा भी प्लस माइनस का साइन चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखना कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे भी हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वी नो दैट व्हाट इज द करिकुलम, या हम कैसे करेंगे। हां जी, बना बनाया क्वेश्चन है, 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, एंड अल्टीमेटली एट द एंड किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल जाएगा। एंड वी कैन चेक इट कि इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, बन रहा है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चले, हाँ, बिना किसी फॉर्मेट के करना हो तो क्या आंसर होना चाहिए,
फंक्शन बच्चे कंटिन्यूस है किस पे, थ्री पे, एंड इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस तो हम इसकी क्या लिमिट लिख सकते हैं, थ्री ए प्लस वन, राइट हैंड साइड में क्या हो सकती है, थ्री बी प्लस थ्री, थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू टू, दिस इज योर आंसर, हो जाएगा? यस सर, ऑप्शन ए, यस सर, ऑप्शन ए, ठीक। एलपीपी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, आपको पता है, हाँ, 35th, क्या लिखूंगी, जीरो, देखो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, एक चीज आपने ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में, अभी तक इन क्वेश्चंस में, ये सारे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आपको आपने रीड किया हुआ है तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप जस्ट बाय रीडिंग ही कर सकते हैं। यस सर, जैसे साइन इनवर्स एक्स वाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक। असर्टेशन देख लेंगे फिर से, ये हमारी जानी पहचानी वैल्यू अभी अभी हुई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सर सी ऑप्शन, हाँ जी, यस सी होगा बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर कौन सा है, थ्री ऑर्डर है, तो ये के की वैल्यू क्या आएगी, थ्री पावर थ्री आ जाएगी, बिल्कुल वही आएगा बच्चे। हाँ, अब देखिएगा, अब पॉइंट ऑन द कर्व एट विच दिस इज अटेनेबल, ये थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं क्वेश्चंस को नॉर्मली करता था बच्चे, कि ये आपकी कर्व है और ये आपका क्या है, टेंजेंट है, ठीक। कर्व की वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन राइट इट एज एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये y, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और अगर हम यहां से स्लोप की वैल्यू करें तो वी कैन राइट इट एज x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के, तो इट शुड बी इक्वल टू दिस वन, तो x स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, किस ऑप्शन में जाएंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आप ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी तो लिखा हुआ है माइनस 9 एंड 2, सर तो y की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 9 आएगी, ये किसकी वैल्यू आई है, पहले ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू आई है, यस सर, डी ऑप्शन, x की वैल्यू आई है, अच्छा इसमें ना आपने क्या करना है बच्चे, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जरूर जाना है, देखना है इसको, रीचेक करना है, क्रॉस चेक करना है, ठीक है, कई बार इसमें छोटा मोटा ट्विस्ट दे देते हैं जहां पे प्लस माइनस होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें क्वेश्चन कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है। अब थोड़े से आइए, मैंने जैसा आपको कहा था कि आपके पास एक ये क्वेश्चन भी आ रहे होते, और हमारे लास्ट सेशन में हमने किन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, एलपीपी को ही डिस्कस किया था, रीजन बीइंग क्या था, क्योंकि मोस्टली जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, एज फार एज माय कंसर्न या मोस्ट ऑफ द टीचर कंसर्न, कि ये आपके पास एलपीपी, और अगर दूसरा रेफरेंस आता है तो वो एप्लीकेशन ऑफ किस में से आएगा, डेरिवेटिव, ये माना जाता है बच्चे, आ तो किसी में भी सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, अच्छा इसमें एक तीसरा ऑप्शन और भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अलावा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेके जाऊं, एक इसमें ऑप्शन और भी इंक्लूड किया जाता है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस,
मैं इसको बताना भूल गया था, मोस्टली रिलेशंस। तो ये माना जाता है कि अगर आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो वो इन मोस्टली इन तीनों टॉपिक्स में से एक होगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट सम के हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं और ठीक है दूसरी फॉर्मेशंस भी है। जैसे देखिएगा, आई थिंक इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिलेशन और किससे आ गया, फंक्शंस में आ गया। अब जब हम कहते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो इस रिलेशन को थोड़ा सा बियॉन्ड क्वेश्चन चेक कर लीजिए, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और क्या होता है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होता है। और जब तीनों चीजें होती हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चे, इक्विवेलेंट। अब दूसरा, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L1 एंड L2 दिस व्हिच इज नॉट द ट्रू। हाँ जी, ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक। अच्छा, इसमें एक और केस होता है बच्चे, वो भी देख लेना कि अगर ये क्या हो तो उस केस में ये कई बार ट्रू भी हो जाता है। जैसे ये मैं डिफाइन कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले केस को, ठीक। आगे आ जाइएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव इंजेक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। वैसे इस तरह का क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता, इसने ऐसे कर दिया, बट ये उसी तरह के क्वेश्चंस में, चलिए कोई बात, ये हो जाएगा। अब आप दूसरी तरह से आइए, याद आ गया दूसरा क्वेश्चन किस में से आ गया, एलपीपी। मेरा तो स्टूडेंट से ये सजेशन है, या आप सबसे ये सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना, कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करना, ये मेन टारगेट होता है, और उसी के बीच में क्वेश्चंस आपका घूमता रहता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे उसने कहा व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट लेना, तो आप इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को, L1 और L2 कंस्ट्रेंट्स को ड्राइव करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, इस बी पॉइंट की वैल्यू निकाल देंगे, एंड वी गॉट इट। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट, तो आ जाएगा ना द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन, ये आपको शेड देख के पता चल जाएगा। जेड ये है मैक्सिमम फाउंड, तो किस पॉइंट पे होगी, पॉइंट फिल कीजिएगा जिसमें जेड की वैल्यू 30 हुई, वो बन जाएगा आपके पास। अगर वो कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या है, देखिए कॉर्नर पॉइंट तो आपको ग्राफ ही बता रहा है ना, कॉर्नर पॉइंट तो आपको ग्राफ ने बता दिए, 1, 2, 3 और ये फोर्थ पॉइंट को आप ले लेंगे, तो इसको सब्सटीट्यूट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाए, बट बच्चे एक चीज देखना, हम इसके कंस्ट्रेंट्स क्या बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डिफरेंट है। दीपा राइड हर कार एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, शी स्पेंड 2 rupees पर किलोमीटर ऑन डीजल एंड शी राइड्स एट द फास्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, डीजल कॉस्ट इंक्रीज 5 rupees, द डीजल कॉस्ट इंक्रीजिंग 2 rupees 5 पर किलोमीटर, शी हैज ₹100 टू स्पेंड ऑन डीजल, लेट शी ट्रेवल एक्स किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर एंड वाई किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 40 meters पर आवर, द फिजिबल एलपी। बस इसमें एक याद रखिएगा बच्चे कि स्पीड का फॉर्मेट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे चलेंगे बच्चे, सिंपल सी बात है, देखो क्या कर रहा है, पहले का टाइम निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ स्पीड, डिस्टेंस है एक्स, स्पीड कितनी है 25, दूसरे की डिस्टेंस क्या है वाई। एक यहां पे ना गड़बड़ है बच्चे, ये मीटर पर आवर दे गया, मेरे ख्याल में ये किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, अगर मीटर हुआ तो इसको चेंज करना पड़ेगा, दिस वन, ये हो गया टाइम। बताइए टाइम हमारे पास टोटल कितना है,
वन आर लेस देन और इक्वल टू वन आर. लेस देन जरूर लगाना क्योंकि वन आवर से पहले भी कंप्लीट कर सकता है. एक और चीज बाकी है बच्चे, क्या बताओ कि उसकी 2 रुपीज की कॉस्ट है कितने किलोमीटर जाने में, एक्स किलोमीटर जाने में, और उसकी 5 रुपीज पर किलोमीटर है वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, 100 है. तो इसका मतलब ये दो क्या हो जाएंगी, उसकी कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगी. एंड यू विल चेक इट आउट. उसके बाद जो भी वो आपको क्वेश्चन कह रहा है आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आपको जो ये पीडीएफ आया होगा बच्चे, इसके साथ में इसके क्या अवेलेबल है, या आपको आएगा आंसर्स भी अवेलेबल है. ये अपनी ऐप पे भी मैंने अपडेट कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं. छोटी मोटी टेक्निकल एरर्स, टाइपिंग एरर्स हो जाते, ठीक है, कई बार इतना माइन्यूटली नहीं देखा जाता, तो आप उनको डेफिनेटली क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. एंड एक चीज आप सबसे और कि कमिंग डेज में बहुत सारे पेपर भेजने वाला हूं बच्चे. जैसे अभी आई एम कलेक्टिंग द पेपर, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के पेपर आएंगे, तो आपने मेरी वेट नहीं करनी, आप उनको क्या करते जाए, सॉल्व करते जाए.